वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स का और एक क्वेश्चन है बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी फाइंड आउट, नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन गिवन व्हेन आई इज़ कंपाउंडेड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। इसका मतलब ये होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं आप। मंथली बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हैं, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे मीन्स साल में 12 बार आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, क्वार्टरली मीन्स ईयरली 4 टाइम्स यू आर चार्जिंग द इंटरेस्ट, एंड हाफ ईयरली मीन्स ईयरली 2 टाइम्स यू आर चार्जिंग द इंटरेस्ट। सो व्हाट इज़ टू बी फाइंड आउट? कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अ सम ऑफ ₹5,000 इन्वेस्टेड टूडे, आज 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया, सो दिस इज योअर प्रिंसिपल। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, एन इज इक्वल टू 2। इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम। इंटरेस्ट रेट कितना दिया है? 8% पर एनम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस एंड हाफ ईयरली बेसिस। सो लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंडेड मंथली में आपको देर आर थ्री वैल्यूज पी एन आई। देर आर थ्री वैल्यूज आई वॉन्ट। आई वॉन्ट पी वैल्यू, आई वॉन्ट एन एंड आई। पी का वैल्यू कितना दिया है? विच इज़ कॉमन फॉर ऑल। पी इज इक्वल टू ₹5,000। एन का वैल्यू कितना दिया है? एन एन इज इक्वल टू 2 ईयर्स। सो इन 2 ईयर्स हाउ मेनी मंथ्स डू वी हैव? कंपाउंडेड मंथली बोला है ना, तो 2 साल में कितने मंथ आते हैं? 24 मंथ्स। सो नेक्स्ट इज आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 8% पर एनम। सो दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी कन्वर्टेड टू मंथली बेसिस। सो नाउ मंथली बेसिस पे इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? सो दिस इज 0.08। 8% मीन्स 8/100, ठीक है, दैट इज 0.08। उसको आप डिवाइड करेंगे 0.08 को 12 से, बिकॉज 12 मंथ होते हैं ना इसके लिए। सो 0.08 डिवाइडेड बाई 12, सो वॉट इज द आंसर? 0.0066। सो 0.0066 मीन्स कैसे लिखेंगे इसको आप? 0.0067, वट इट? पर मंथ। ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 8% का ये 0.8 कैसे हुआ? 8% मीन्स 8 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.08 डिवाइडेड बाय 12, सो दैट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ, 0.0067। ये 666 था ना, सो बिकॉज ऑफ दैट 6 आई डू इट एज 67। सो नाउ अभी फाइंड क्या करना है आपको? व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? यू हैव टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डू यू रिमेंबर? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू दैट फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला इज ए माइनस पी। सो ए का फॉर्मूला क्या है? ए का फॉर्मूला इज ए इज इक्वल टू पी 1 + i ब्रैकेट रेस टू एन माइनस पी। सो पी इंटू 1 + i ब्रैकेट रेस टू एन। सो लेट अस कीप दिस पी एज इट इज। आई का फॉर्मूला क्या है? आई का वैल्यू क्या है? 1 + i इज 0.0067 ब्रैकेट रेस टू 24। बाप रे, 24 रेस टू है वो। तो हियर 1.0067 का 24 पावर आपको करना है। सो दिस इज पी इंटू 1.0067 ब्रैकेट रेस टू 24 माइनस पी। गॉट इट? तो डू इट ऑन कैलकुलेटर। कैसे करते? बाप रे, ब्रैकेट रेस टू 24, सो 1.0067। यू रिमेंबर इंटू इक्वल टू किया तो आई गॉट स्क्वेयर। तो स्क्वेयर किया तो यहाँ पे डिस्प्ले क्या है? 3। फिर से प्रेस किया, आई गॉट क्यूब। क्यूब किया तो डिस्प्ले में क्या है? 4। ये रेस टू 4 हुआ तो डिस्प्ले में क्या है? एक ज़्यादा है ना, 5। तो मुझे 24 चाहिए। तो इधर उधर देखो आराम से, टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये इक्वल टू प्रेस करो। एंड यहाँ पे 24 चाहिए तो यहाँ पे डिस्प्ले में 25 होना चाहिए, ठीक है। सो आई एम जस्ट प्रेसिंग दिस नंबर इक्वल टू अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे जब भी 24, आप यू कैन काउंट इट 24, अदरवाइज यहाँ पे डिस्प्ले में देखो। सो ये अप टू 25 रहेगा ना, दैट इज़ दिस इज़ पावर रेस टू 24।
तो यू टेक ऑल पॉसिबल डेसिमल्स, 1.17 बैंक का मामला है ना, इसके लिए डेसिमल के बाद जितना भी नंबर्स है सभी ले लो, नहीं तो 1 पैसे का भी फर्क होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है ना। 100 लोगों का 100 पैसा, 1,000 लोगों का 1,000 पैसा, दैट वे। सो दैट्स वाई आई एम टेकिंग ऑल पॉसिबल डेसिमल्स, 303p-p। सो दिस टाइम्स पी माइनस 1p, तो ये 1 कॉमन लिया आपने तो इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, सो आई लेफ्ट विथ 0.173820383 टाइम्स p। ठीक है, सो नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पी। पी का वैल्यू कितना है? 5,000। सो दिस इंटू 5,000, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इसमें से माइनस करो 1 को, तो ये आपको जो मिला ये वैल्यू मिला, इंटू आपको क्या करना है? 5,000। सो व्हाट इज़ द आंसर? 869 पॉइंट। अभी ये फाइनल आंसर है तो डेसिमल के बाद 2 ही नंबर लेना, 10, बिकॉज ऑफ वन दिस वन आई एम जस्ट कीपिंग दिस 0 एज इट इज़। सो दिस इज़ योर कंपाउंड इंटरेस्ट। सो 5,000 पे कितना इंटरेस्ट मिला आपको? 869.10 रुपीज़ का। गॉट इट? सो दिस इज द फर्स्ट। द सेकेंड केस, सेकेंड केस में लिए आपको क्या करना है? वंस अगेन यू हैव टू राइट डाउन द गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो इन सेकेंड केस राइट डाउन द गिवन इन्फॉर्मेशन एज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? पी इज इक्वल टू ₹5,000, सेम वैल्यू। एन इज इक्वल टू हाउ मच? 2 ईयर्स। बट इन 2 ईयर्स हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर? एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? एक साल में होते हैं कितने क्वार्टर्स? 4। सो इन 2 ईयर्स हाउ मेनी क्वार्टर्स विल बी देयर? देयर विल बी 8 क्वार्टर्स। ठीक है, देन आई इज इक्वल टू 8% पर एनम, साल का 8% है तो विच इज़ नथिंग बट 0.08। सो विच इज़ इक्वल टू 0.08 अपॉन, अभी ये 2 इंटू 4 8 किया ना, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4 करो, बिकॉज एक साल को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। सो 0.08 अपॉन 4, दैट इज 0.02। यू कैन डू इट ऑन कैलकुलेटर ऑल्सो। ठीक है, पर क्वार्टर, दिस इज पर क्वार्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट। वंस अगेन व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट? आई वांट टू फाइंड आउट सी का वैल्यू। मुझे क्या फाइंड करना है? सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट इज ए माइनस पी। सो सी आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई ब्रैकेट रेस टू एन माइनस पी। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, पी को एज इट इज़ रखो, 1 प्लस आई का वैल्यू इज 0.02। अभी ये सिंपल है शायद ना, ब्रैकेट रेज टू 8 माइनस पी। सो पी दिस इज 1.02 ब्रैकेट रेज टू 8। डू इट ऑन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे चेक करो, 1.02 इंटू इक्वल टू दिस इज स्क्वायर, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो यहाँ पे 9 है ना, सो टेक ऑल पॉसिबल डेसिमल्स वंस अगेन, तो विच इज़ इक्वल टू 1.17, 1.17, 1659, 1659, 38099, 38099 पी, इसका पी ये लिखा, माइनस पी। सो माइनस ये पी है मतलब माइनस 1 है, तो माइनस 1 करेंगे देन यू विल गेट 0. दैट वैल्यू अगेन। सो 0.17169380 99 पी, दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट इंटू पी इंटू 5,000। सो फाइनल आंसर इज 858.29 के आगे 6 है, सो बिकॉज ऑफ दिस 6 आई विल मेक दिस एज 0, मतलब 29 का क्या हो जाएगा? 30। गॉट इट? यू शुड राइट डाउन द यूनिट हाँ, रुपीज दिस, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज दिस। अर्लियर इट वॉज 869, नाउ इट इज 858। मंथली पे ज़्यादा मिला था, आपको थोड़ा सा कम मिला, तो कैन यू गेस जो हाफ ईयर ले उसमें इससे ज़्यादा अमाउंट मिलेगा कि कम मिलेगा? आर यू श्योर? कम मिलेगा, वेरी गुड। ठीक है, सो लेट अस राइट डाउन द गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन इन्फॉर्मेशन व्हाट इज गिवन? पी इज इक्वल टू रुपीज़
5000, ठीक है, पी इज इक्वल टू रुपीज 5000. वट इज एन गिवन? एन इज इक्वल टू 2 ईयर्स. सो इन 2 ईयर्स हाउ मेनी हाफ ईयर आर देयर? एक साल में 2 हाफ ईयर, तो 2 साल में कितने? 2 into 2, दैट इज 4 हाफ ईयर्स. वेरी गुड. आई इज इक्वल टू 8% पर एनम. पर एनम मतलब एक साल के लिए है 0.08, तो आधे साल के लिए कितना से डिवाइड करने का? बाय विच नंबर यू शुड डिवाइड इट? यू शुड डिवाइड इट बाय 2. सो आई गॉट 0.04 पर हाफ ईयर, ठीक है, पर हाफ ईयर. सो फिर से वही बात, क्या फाइंड करना है आपको? यू हैव टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करो. व्हाट इज द फॉर्मूला? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी, पी इंटू 1 प्लस आई ब्रैकेट रेज टू एन माइनस पी. दिस इज मोर सिंपलर. पी एज इट इज 1 प्लस 0.04 ब्रैकेट रेज टू एन, एन का वैल्यू कितना है? 4, माइनस पी. सो विच इज इक्वल टू पी 1.04 रेज टू 4 माइनस पी. सो 1.04 रेज टू 4, 1.04 इंटू इक्वल टू ए स्क्वेयर, फिर से इक्वल टू क्यूब, फिर से इक्वल टू इज रेज टू 4, 1.1698 1698 5856 पी. ये पी जो आएगा यहाँ पे माइनस पी. सो यहाँ पे माइनस पी मीन्स माइनस वन, तो माइनस वन करेंगे देन विल गेट दिस नंबर ना, 0.1698 5856 पी. ये जो है वो पी, तो पी का वैल्यू कितना है? 5000 इंटू 5000 इक्वल टू, सो आंसर इज 849.29. 28 है तो वो 29 एज इट इज इट विल बिकम. तो यहाँ पे रुपीज़ 849, सो विच इज लेसर देन दिस वैल्यू. ठीक है, वेरी गुड. हैव यू गॉट द कंसेप्ट? पी तो सब में तीनों में सेम रहेगा. एन शुड बी कन्वर्टेड एज मंथली रहेगा, तो उतने मंथ में कन्वर्ट करो. क्वार्टरली हाउ मेनी क्वार्टर्स, हाफ ईयरली हाउ मेनी हाफ ईयर्स, उसमें कन्वर्ट करो. मतलब एन फाइंड करते टाइम मल्टीप्लाई करने का, आई फाइंड करने के टाइम पे डिवाइड करने का. देन फॉर्मूला इज सेम फॉर ऑल. ये याद रखना, जितने बार आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे उतना आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा. सो मंथली बेसिस पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड यहाँ पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर.